नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं बाजार में जिन्होंने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए, हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, पैसा लगाते हैं इसलिए ताकि हमारा पैसा बढ़ सके, ग्रो कर सके, कम से कम इतना ग्रो कर सके कि हम FD या बाकी के एसेट क्लास को बीट कर पाए रिटर्न्स के मामले में, गोल्ड को, FD के रिटर्न्स को और इन्फ्लेशन को। सबसे बड़ी बात होती है कि बीट कर पाए इन्फ्लेशन। ये जो दिखता है ना 5% का, ये नहीं होता है। मैंने आपके साथ काफी वीडियोस बनाई हैं। इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूं कम से कम 12% का होता है, तो उसको आप बीट कर पाए। नॉर्मली निफ्टी का इंडेक्स भी उसको बीट कर देता है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, क्योंकि निफ्टी भी अराउंड 14% की कैगर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स भी बीट कर रहा है, तो इतना तो रिटर्न बने हमारा इन स्टॉक्स में कि इनको बीट कर पाए। हालांकि आम व्यक्ति जब बाजार में आता है वो तो ये सोचता है मैं पैसा ही डबल कर दूंगा, बट शेयर बाजार में भाई साहब हकीकत यह है कि अगर आप 15-20% एनुअली बना रहे हो, यू आर जीनियस। राकेश झुंझुनवाला जी ने क्लियरली बोला था कि अगर आप 15-18% बना रहे हो ना, यू आर जीनियस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। रूल ऑफ 72 के हिसाब से देखो यार, आप 3 साल में अपना पैसा डबल कर लोगे अगर 20% के बन रहे हैं रिटर्न्स, तो समझ रहे हो। लेकिन ऐसे में हम लोग जल्दबाजी में पैसा बनाने के लिए कभी कभार गलत शेयर्स चुन लेते हैं और फिर क्या होता है, रिजल्ट आपके सामने है। पहले स्टॉक का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। ये शेयर रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कमाल की बात यह कि जो लोग नया बंदा आता है ना बाजार में, वो हमारे जैसे लोगों की वीडियो बहुत देखता है, गूगल पे बहुत रिसर्च करता है और उसी पे वैल्यू करता है। उसका एक्सपीरियंस तो होता है जीरो, लेकिन वो अपने आप को दुर्रम कहां 30 मार कहां समझने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ किताबी चीजें देखने लगता है। एक्चुअली में कंपनी के देखो दो तरीके से एनालिसिस होता है, मैं हमेशा कहता हूं क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव। वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो सीख जाता है इधर उधर से वीडियो देख दाख के, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस में मार खा जाता है बेचारा। इसीलिए जब अगर आप बाजार में नए आए हो तो पहले आपको ऐसी कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जिन्हें आप खुद यूज कर रहे हो। मेरे घर में अगर सनसिल्क आ रहा है तो मैं HUL पे ट्रस्ट करूंगा। आपको क्या HUL कौन सा पैसा बना के दे रहा है, पैसा डूब तो नहीं रहा भाई, बन नहीं रहा, ठीक है डूब तो नहीं रहा। मेरे घर में ब्रिटानिया के बिस्कुट आ रहे हैं, मैं ब्रिटानिया लूंगा, बनने लगा पैसा। मेरे घर में मैगी आ रही है, मैं नेस्ले ले लूंगा। ये पैसा बनाने के लिए नहीं, सीखने के लिए मैं ये शेयर्स ले रहा हूं कि मेरा पैसा भी बनता रहे, मैं बाजार में रहकर सीख भी सकूं, उसके बाद रिसर्च पे उतरूंगा मैं। तो लोग बाजार में आते हैं, थोड़ा बहुत गूगल और हमारी जैसी वीडियो मेकर जो है वो तुरंत सबको एक्सपर्ट बना देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, डायरेक्ट खरीदने चले जाते हैं शेयर्स को। अब राजेश एक्सपोर्ट सेम कहानी है। इसका आप रिटर्न ऑन इक्विटी, इसकी आप प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कुछ भी उठा के देखो कोई कुछ खराब दिखेगा ही नहीं, लेकिन शेयर का प्राइस ले डूबा इन्वेस्टर्स को। ये शेयर 1000 रुपये का हुआ करता था, आज 263 का रह गया और हर दिन गिर जाता है। इन्वेस्टर करे तो करे क्या। तो इस जब आपको पता है डायमंड ज्वेलरी में जा रहे हो तो सबसे बड़ा नाम क्या है, टाइटन, वहां करो ना फोकस। टाटा ग्रुप है यार, पैसा बनेगा। लेकिन कहां गलती कर दी, हम ज्यादा स्मार्ट बन गए, हमने ज्यादा रिसर्च कर ली, हमें मल्टीबैगर ढूंढना था, हम राजेश एक्सपोर्ट में चले गए, डूब गया पैसा। PC ज्वेलर्स, डूब गया पैसा, समझ रहे हो, वही चीज हो रही है यहां। अब आगे बात करूं तो एक और मैंने जैसा बताया PC ज्वेलर्स, आगे बात करें तो EKI एनर्जी। इसके भी फाइनेंशियल फंडामेंटल सब कुछ तंगड़े हैं, एक समय पे थे जब तक भाग रहा था 200-250 रुपए से 3000 तक की जर्नी थी, लेकिन आज 276 रुपए पे खड़ा है, क्योंकि कंपनी ने ही आपको सब कुछ गलत बता दिया। कंपनी जो स्क्रीन पे दिखा रही है वो सब गलत था। अब एक व्यक्ति करे तो करेगा, हम रिसर्च करेंगे कैसे, स्क्रीनर पे जाके कंपनी के बैलेंस शीट में जाके, वो बैलेंस शीट ही गलत दे दे कंपनी तो हम क्या करें। कंपनी से तो हमारी डायरेक्ट बात है नहीं ना, ऑडिटर्स तो हम डायरेक्ट बात कर नहीं सकते हैं, तो फिर फंस गए हम। एक और कंपनी का नाम मैं बताना चाहूंगा, ब्राइटकॉम ग्रुप, BCG। इसकी बात करें तो ये भी ले डूबा अपने इन्वेस्टर्स को, इसने भी धोखा दिया अपने इन्वेस्टर्स को, सब कुछ गलत दिखा दिया। आप पढ़ लो क्या पढ़ोगे, सब अच्छा दिखेगा लेकिन वो गलत है। मैं कह दूं अपनी बैलेंस शीट में लिख दूं मेरी कंपनी ने इस क्वार्टर 100 करोड़ का कराया प्रॉफिट, अगले क्वार्टर 200 करोड़ का कराया, उससे अगले क्वार्टर 250 करोड़ कर रहा है, मेरा शेयर तो रॉकेट हो जाएगा। आप भी कहोगे यार प्रॉफिट बहुत तेज बढ़ रहा है, खरीद लो, लेकिन मैं तो नंबर ही गलत दे रहा हूं, मेरी कंपनी तो लॉस चल रही है। जब मैं ही गलत पेश कर दूंगा तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी शेयर ले रहे हो रिसर्च पक्की होनी चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटेटिव दोनों दम पर, और सबसे ज्यादा रिसर्च तो मैनेजमेंट पे होनी चाहिए। केवल यहीं तक मत रुको कि कंपनी क्या करती है, कैसा प्रॉफिट है, कैसी अर्निंग है, डिमांड आउटलुक क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है वो देखो, कंपनी के कर्ता धर्ता कैसे हैं वो देखो, कैसे चेक करा जाए, आप हिस्ट्री निकाल सकते हो उस मैनेजमेंट की। देखो मैनेजमेंट अगर अच्छा है, साफ है, कोई उस पर
लिटिगेशन नहीं है, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो आज नहीं तो कल आपका पैसा बना देगा। लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा ऐसा है ना यार, नहीं मैं सिर्फ अपना सोचूंगा, मैं लोगों का पैसा खाऊंगा, तो वो खा ही जाएगा, हकीकत में खा जाएगा। उसका शेयर नहीं चलेगा तब भी वो पैसा बना लेगा, पर आपसे बना लेगा, वो कंपनी को ऊपर लेके नहीं जा पाएगा, समझ लो। तो आपको सिंपल क्या करना है, सारी तरफ रिसर्च करनी है, और जब बाजार में नए उतरो तो नए उतरते समय आपको ब्रांडेड चीजों पे फोकस करना है, क्वालिटी चीजों पे, दिग्गजों पे। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप डायरेक्ट इंडेक्स में निवेश करने लगो, ETF में, आप सीखते रहो बाजार को धीरे धीरे, फिर पैसा लगाओ। बहुत लंबी जर्नी है ये, बनेगा पैसा, डेफिनेटली बनेगा। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।